हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु की वेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे की बर्फी। इसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है और ये बहुत ही जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमने ये आधा कप घी लिया है, 1 कप मैदा लिया है, 3/4 कप हमने चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कैसे भी कर सकते हैं। ये हमने 5-7 काजू, 5-7 बादाम लिए हैं। ये हमने इलायची पाउडर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा घी गरम करते हैं। सबसे पहले हम 1 चम्मच घी गरम करेंगे और इसके अंदर हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है, इसीलिए हम इसे रोस्ट करेंगे। हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट करना है। ये देखिए हमारे काजू बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे घी से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं, हम हमारा घी गरम होना रख देंगे। इसे अच्छे से गरम करेंगे। हमारा घी गरम हो गया है, अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे 15 से 20 मिनट तक सेकना है। अच्छे तरह से चलाते हुए कोई भी गुठली नहीं बचनी चाहिए। एक बार सारा घी ये मैदा सोख लेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे सेकेंगे ये घी छोड़ने लग जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे ये सिकता जा रहा है, वैसे वैसे घी अलग होता जा रहा है। हम इसे अभी और थोड़ी देर सेकेंगे। इसी तरह से चलाते रहना है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग सकता है, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है और घी भी बहुत अलग हो गया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट और इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए सारा घी अलग हो गया है, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का गुनगुना हो जाएगा तब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। जब तक हमारा वो मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लेंगे। इसके लिए मैंने इसे एक ज़िपलॉक बैग में डाला है और एक बेलन की मदद से इसे अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसे दरदरा पीस कर एक बाउल में निकाल लिया। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और हमारा ये मिक्सचर भी हल्का सा ठंडा हो गया है। हम गरम गरम में चीनी नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि चीनी मेल्ट हो जाती है ज्यादा गर्म होने से, इसीलिए हमने इसे हल्का सा ठंडा कर लिया। अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून इलायची डालेंगे। ये हमने इलायची का पाउडर लिया है, ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से हमने ऊपर से गार्निश करने के लिए रख लिए हैं। और अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके हम ऐड करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है और ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल टाइट भी हो गया है बर्फी की कंसिस्टेंसी का। इसे सेट करने के लिए मैंने एक बॉक्स के अंदर नीचे बटर पेपर लगा दिया है और साइडों में अच्छे से ग्रीसिंग कर दी है। अब इसे हम इस बॉक्स के अंदर निकाल देंगे।
देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी का तैयार है बनकर। अब हम इसे स्पून की मदद से अच्छे से सेट कर देंगे। अच्छे से टैप करते हुए ये देखिए, ये अपने आप ऊपर से कितना अच्छा फ्लैट तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम हमारे ये बचे हुए ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर देंगे। और एक बार फिर से अच्छे से टैप करके और इसे कवर करके हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, आधा घंटा हो गया है, हमने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसकी साइड्स को थोड़ा सा इस तरह से फ्री कर लेंगे और इसे एक प्लेट पर निकाल देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से अलग हो गया है। अब हम इस पे से बटर पेपर उतार देंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। से हम इसके पीसेस, ये देखिए इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। और आप चाहे तो अपने हिसाब से बड़े छोटे पीस कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी मैदे की बर्फी बिल्कुल अच्छे से कटकर प्लेट में सर्व करने को तैयार है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।